वी वॉन्ट टू गिव द बिगेस्ट मैसेज। संजय सिंह जी अकेले नहीं है, वी ऑल आर टुगेदर, द एंटायर ऑपोजिशन इज टुगेदर। इफ द रूलिंग dispensation, the NDA, the government thinks that by suspending one of our MPs, they can threaten us. They can make us feel that we are scared and we will withdraw from our demands. Then they are repeatedly, we want to say, days will pass, night will pass, but our demands will continue. That Prime Minister should come to Parliament and speak. मेक अ स्टेटमेंट अबाउट मणिपुर। कल पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे और पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है भारत के प्रधानमंत्री से कि उनको मणिपुर की हिंसा पे जवाब देना होगा। देश का एक हिस्सा जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य के अंदर अगर 80-90 दिनों से हिंसा चल रही है तो प्रधानमंत्री जी खामोश कैसे रह सकते हैं। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, नौजवानों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर आई तो महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है। उसमें एक महिला है जिसका पति कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है। आप कल्पना कीजिए, रिटायर्ड सूबेदार सेना का वो ये कह रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लेके देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने वाला, उनका सर शर्म से झुकाने वाला बयान है। और हम सब के अंदर अगर जरा सी भी संवेदना है तो आज ज़रूरत है उस कारगिल के योद्धा के साथ खड़े होने की।